नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का चीला ब्रेकफास्ट में। ये दाल मैंने 4-5 घंटे से भिगो दी है। इसके छिलके भी देखो निकल गए हैं, बट हमें इन छिलकों को भी यूज करना है। तो पहले इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पिस गया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ सब्जियां, शिमला मिर्च, धनिया, प्याज और गाजर। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, डालूंगी काली मिर्च, और अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा ये बैटर रेडी हो गया है जिस तरह से चाहिए। अब हम इसे ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसके चीले बनाएंगे। तो चलिए हो गए हैं इसको आधा एक घंटा रखे हुए, और इसमें से मैंने एक पहले चीला बना भी लिया है। तो चलिए अब दूसरा चीला बनाती हूँ। कैसे बनाते हैं देखो। पैन गरम हो गया है, इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं डालेंगे, और बहुत ही स्लो कर देंगे इसको। बहुत तेज गरम हो गया, अब इसको स्लो कर देंगे। अब इस पे फैलाऊंगी मैं चीला। अपने हिसाब से फैला लीजिए, जितना मोटा आप रखना चाहते हो। थोड़ा मोटा ही रखोगे तो अच्छे से उठ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज तो टूटने का खतरा बहुत रहता है। चलिए इसको भी नीचे से पकने देते हैं। और जो मैंने पहला बनाया था वो कुछ इस टाइप का बना है। चलिए इसको पकने के बाद मैं इसको पलटूंगी। ऊपर से ये पक गया है, अब थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके किनारों पे डाल देंगे ताकि ये आराम से निकल जाए, और इसके किनारे छुड़ा लेंगे एक चाकू की सहायता से। इसके किनारे छुड़ा लेंगे और इसको पलट देंगे टर्नर से। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है जब तक ये नीचे से स्लो आंच पे पक नहीं जाता। उसके बाद हम इसे निकालेंगे बाहर, क्योंकि मूंग दाल के चीले में बहुत हेल्दी होते हैं और बनाने में थोड़े से हार्ड होते हैं। बट अगर पतला हो जाए तो हार्ड होते हैं, अगर थोड़ा आप बहुत ही गाढ़ा बैटर रखोगे तो ये हार्ड नहीं होते, और अगर प्लेन बनाओगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी वेजेस डाली हैं तो उसकी वजह से भी फैलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पकने में भी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। गैस को करते हैं बंद। अब करते हैं इसे सर्व। और ये देखिए मेरे मूंग दाल के चीले बिल्कुल रेडी हैं, और धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ये देखिए। थैंक यू। बाय बाय।